Hello students, MR Mathematics welcomes you, and today we will learn factorization. Of polynomials. Polynomials को कैसे factorize करना है वो हमें सीखना है, ठीक है? First एक formula होता है x plus a into x plus b is equal to x square plus ab a plus b into x plus ab. Yes, ये formula. हमने बताया था 17 फॉर्मूले बताएंगे आपको लास्ट वीडियो में. हमने कहा था टोटल 17 फॉर्मूले आपको बताएंगे स्केयर्स के, क्यूब्स के, एंड जो भी आपके क्लासेस बेस्ड हैं अप टू क्लास 10+2. एट्थ क्लास से लेकर के सेवन्थ क्लास से लेकर के 10+2 तक जो फॉर्मूले आएंगे आपके स्केयर्स क्यूब्स के, वो सारे मिला करके 17 फॉर्मूले हैं फैक्टराइज के, वो सारे बताएंगे आपको. एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स एक्स सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट आ गए हैं. ऐसे केस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पास ये आता है, मीन्स ये टर्म हो तो उसको इस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं. ये भी फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला है. जैसे एक क्वेश्चन आता है मोस्टली कई बार एग्जाम्स में मिला, कंपटीशन एग्जाम्स में मिला है क्वेश्चन कि फाइंड आउट एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस 10. इसके ऑप्शंस दे देंगे अलग अलग क्या ऑप्शंस हैं, तो सीधी सी बात है जिसकी फॉर्मूला याद हो सिंपली कर देगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी. तो सीधी फॉर्मूला लगाएंगे ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये x ये a, ये x ये b, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी, 4 प्लस 10 14 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 40, इट इज आंसर. फॉर्मूला याद है सीधा कर देंगे आप, ठीक है? एक तो ये फॉर्मूला आपका जो इम्पोर्टेंट है. दूसरा फॉर्मूला देखिए आप, जो आप छोटी सी क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया होगा आपने, a प्लस बी होल्स स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर. इसको यूँ भी लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, यानी इन स्केयर वाले दोनों साथ साथ बाद में ये, या इन दोनों को यहाँ यहाँ पर ये ऐसे भी लिखते हैं. यहाँ लिखने पर ये बेनिफिट है कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में a की पावर आई टू, ए की पावर वन, बी की पावर असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, इस प्रकार से. तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो लिखने का है. ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है या गलत वाली बात नहीं, गलत नहीं कहेगा कोई भी उसको भी, ठीक है नॉर्मली वो भी चलता है, कई इलाकों में चलता है, टीचर्स ऐसे ही बताते रहते हैं. अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं. कैसे मिलेंगे वो, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास x प्लस टू होल्स स्केयर, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल. तो x स्केयर करेंगे प्लस टू का टू इंटू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू बी प्लस टू का स्केयर, x का स्केयर प्लस टू टू जा 4x प्लस 4, वेरी सिंपल, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका सेकंड जो है फॉर्मूला हो गया. थर्ड फॉर्मूला आपका जो आपने पहले से किया हुआ, ये भी देखते जाओ फटाफट करेंगे, a माइनस बी होल्स स्केयर. इसमें क्या आएगा, ए स्केयर माइनस टू ए बी हो जाएगा प्लस बी स्केयर, वेरी सिंपल. क्वेश्चन आता है जैसे 7x माइनस 5 होल स्केयर, क्या आएगा 7x इस सारे का होल स्केयर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 5 प्लस 5 का स्केयर, देन 7 का स्केयर 49, एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू 7 14, 14 5 जो 70, एक्स प्लस 5 का स्केयर 25, इट इज आंसर. वेरी सिंपल, बड़े फटाफट समझ में आ रहे होंगे सभी के. यस, नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4. फोर्थ फॉर्मूला इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, या ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू, ये कहो बात वही है. अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्स माइनस 7, एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, क्या करोगे आप, एक्स स्केयर माइनस 7 स्केयर, दैट इज एक्स स्केयर माइनस 49, ऐसे कर दोगे. या ये आ जाए आपके पास, या आपके सामने आ जाए कि 25 एक्स स्केयर
माइनस 49 बी स्केयर, सपोज ये दे दिया उन्होंने, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 5x होल्स स्केयर माइनस 7b होल्स स्केयर। पहले हमने ए स्केयर बी स्केयर फॉर्मूले के रूप में लिख लिया इसको, अब इसको ऐसे फाइन लिख देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इट विल बी 5x माइनस 7b इंटू 5x प्लस 7b, एक बार माइनस एक बार प्लस, पहले प्लस का कर दे बाद में प्लस का, पहले माइनस का बाद में माइनस का, कोई दिक्कत नहीं आती, इट इज़ द आंसर। इस तरह से आपने स्केयर्स के सम, स्केयर्स के सम का स्केयर्स, डिफरेंस का स्केयर एंड अलग अलग स्केयर्स का डिफरेंस, ये आपने 4 फॉर्मूले कर लिए हैं। अब एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी, पांचवा नंबर है, मैं काउंट कर रहा हूं, आप ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इट इज़ द फॉर्मूला। जब हमारे पास ए बी सी थ्री टर्म्स हैं, तीनों का सम हो और सारे का स्केयर किया जाए, तो उसके फैक्टराइज करते समय ये सब करना पड़ता है। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं ज़रा, एंड The question I get, yes, this one is question. Question is 2x minus y plus z whole square. It is the question. You have to expand using suitable identity, or you may say इसे expand करना है. कैसे इसको expand कैसे करेंगे भाई? A प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस आ गया कोई नहीं, डरने की बात नहीं है, लिखेंगे 2x प्लस माइनस वाई को ऐसे लिख लेंगे, प्लस जेड होल स्केयर, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर आ गया। इस फॉर्मूले पर लगाएंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2x होल स्केयर प्लस माइनस वाई होल स्केयर प्लस जेड होल स्केयर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू बी माइनस वाई, ब्रैकेट में लगा देंगे, प्लस 2bc 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2ca 2 इंटू जेड इंटू 2x, इट विल बी इक्वल टू 4x स्केयर माइनस का स्केयर प्लस प्लस के वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। अब इनकी मल्टीप्लाई 2 जब 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4xy, इनकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2yz, एंड इधर से 2 जब 4 प्लस के जेड एक्स, इट इज द आंसर, ये एक्सपेंड हो गए। देखिए हमने लिखा फैक्टराइजेशन, अभी हम इन फॉर्मूलों को बता रहे हैं आपको, ये फॉर्मूला है ये ऐसे एक्सपेंड करना, जब ये आएगा तो इसको फैक्टराइज कर कैसे लिखना, इसका वापस यूं आ जाएगा, तो ये दे दिया, इसका हमने ये किया, और जब ये दे रखा होगा तो इसको हम फैक्टराइज करना है, तो ऐसे लेकर के आएंगे, कैसे करेंगे वो भी देखना है हमें। अभी आपको सिंपली फॉर्मूले मैंने बताए हैं, स्केयर्स के फॉर्मूले ये हैं, ये समझ में आ गए होंगे आपके। अब देखिए ज़रा आगे चलते हैं, सीखते जाओ, जो बताता जा रहा हूँ मैं सब बातों को अच्छे सीखो भाई, बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। रेंडमली क्वेश्चन उठाते हैं, हम जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है इसमें से रेंडमली उठाते हैं। फैक्टराइज दिस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन 100, कहता फैक्टराइज इट यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, हमें पता चला ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनाना पड़ेगा, ये तो स्केयर, ये स्केयर नहीं है, बनाओ इसको स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई अपॉन 100 को लिख सकते 10 होल स्केयर हो जाएगा, y का स्केयर भी 10 का स्केयर भी होल स्केयर शो कर देंगे, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आइडेंटिटी क्या है हमारी, बिकॉज ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये a है और ये ब्रैकेट वाला b है, a एंड b, इट विल बी इक्वल टू x प्लस y अपॉन 10 एंड x माइनस y अपॉन 10, इट इज द आंसर, वेरी सिंपल। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, एंड एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, देखिए जरा 104
मल्टीप्लाइड बाय 96। कहता है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके कुछ सूटेबल आइडेंटिटी लगा करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो लिख देंगे इसको 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, ये 104 हो गया और ये 96 हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दैट इज 100 का स्केयर माइनस में 4 का स्केयर, ये आया 4 टाइम्स 0 माइनस 4, 4 जा 4 का स्केयर 4, 4 जा 16, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 9 में आंसर हो जाएगा आपका, वेरी सिंपल, देख लिया। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस इनमें से, यस, स्केयर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, एंड द क्वेश्चन आई गेट, यस दिस वन, 4x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 16z स्केयर प्लस 12xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz। ये कहता है फैक्टराइज इट, इसको फैक्टराइज कीजिए, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। बहुत लंबा चौड़ा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसके फैक्टर बनाने हैं, हमने कैसे बनाएंगे देखिए जरा। हमारी नज़र आई सी दी स्केयर्स के, इसके 3 times स्केयर्स हैं और तीनों प्लस में भी हैं, अच्छी बात है। इट मींस ये हुआ यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बन चुका हमारे पास, और ए स्केयर प्लस बी प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो 5 नंबर पर हमने लिखवाया था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, दैट इज फॉर्मूला इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इट इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले बेस्ड है, ये है, ये है, ये है, तीन तो ये हो गए हमारे पास। अब ये तीन टर्म्स ये बच गई हैं जो ये है, ठीक है। अब इन टर्म्स में मैं स्पेशली माइनस साइन का लिया है कि माइनस साइन भी आए हुए हैं जबकि फॉर्मूले में सारे प्लस के साइन हैं, नो प्रॉब्लम। माइनस साइन जो आए हैं यहाँ से हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो ये माइनस है ये माइनस है, एक चीज़ तो माइनस है ही है, दो जगह जब माइनस आ गई है इट मीन्स या तो यहाँ पर माइनस है सिंप्लीफाई करेंगे जब, या फिर यहाँ पर माइनस है, तो इस जगह माइनस आएगी बी से पहले सी से पहले, ये फाइंड आउट करने के लिए दोनों के दोनों माइनस जो हैं ये बताएंगी कैसे। माइनस के साथ में आया है 24yz, इस माइनस के साथ में आया 16xz, तो जो माइनस के टर्म्स हैं उन टर्म्स में कॉमन क्या है, कॉमन वेरिएबल है जेड, जेड इज कॉमन, मीन्स ये जेड जो है ये खतरनाक है, और खतरनाक एलजेब्रा में बोलते हैं माइनस साइन को। जेड जहाँ जहाँ आया वहाँ वहाँ माइनस कर दिया इसने, मीन्स जेड माइनस का है, मीन्स जेड मीन्स ये लास्ट वाला, ये माइनस का था यहाँ पर, तो ये साइन जो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह लीजिए, तो इसके साथ में माइनस साइन, जेड जहाँ आएगा वो माइनस का है। फिर बता देता हूँ, दो जगह माइनस साइन है, इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, कॉमन वेरिएबल, I said only the word variable. Common variable जो है वो जो होगा वो with minus sign होगा definitely. Therefore equal to 4x square को लिख सकते हैं 2x whole square plus 3y whole square plus 16 that is 4z whole square. हमने बता दिया था कि z minus का है तो 4z है तो इसको लिख देंगे minus का, यस इन दिस वे प्लस आगे एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इनको छोड़ने की या तोड़ने की या फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, एज इट इज रख दीजिए। यहाँ से हमारे पास आ गया फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, दिस दिस दिस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 4z होल्स स्केयर।
इस सारे को हमने छोटा सा रूप दे दिया। अब होल्स स्केयर जब पी का स्केयर होगा क्या लिखेंगे, पी इंटू पी लिखते हैं, एक्स का स्केयर होगा तो एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, फाइव का स्केयर हो तो फाइव इंटू फाइव लिखते हैं ना। ठीक है, ऐसे इस सारे का स्केयर है मीन्स इसको टू टाइम्स लिख देंगे हम, इसी पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर जो है इसका होल स्केयर मीन्स टू टाइम्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम तो फैक्टराइज करने लग रहे हैं, इसीलिए फैक्टर्स जो होंगे वो सिंपल अलग अलग निकाल के दिखाएंगे हम। इट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4z इनटू सेम 2x प्लस 3y माइनस 4z, दीज आर द फैक्टर्स, दिस इनटू दिस इज ए फैक्टर, सॉरी आर द फैक्टर्स, एक से अधिक है ना, दिस एंड दिस, दिस इनटू दिस आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूले के आधार पर हम चले, ये राइट हैंड साइड दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हमने बना लिया, होल्स स्केयर है द टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी सेम क्वांटिटी की एंड इट विल बी द आंसर, हेंस द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं भाई, किसी प्रकार से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा ही और देख लेते हैं ताकि वेरी क्लियर हो जाए सभी के लिए। देखिए जरा, कई बार पेपर में मिला है, कई क्लासेस के आधार पर मैंने, वही बात है, कई क्लासेस का नाम मैं इसे लेता हूँ कि जिन जिन क्लासेस के अंदर पॉलिनोमियल्स हैं एंड फैक्टर आता है उन क्लासेस में लगभग क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिने चुने क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। 2x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 8z स्केयर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, यस फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है भाई। हमने बता दिया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आए हुए हैं प्लस में, तो फॉर्मल तो वही लगेगा। अब इसमें माइनस आया हुआ, एक तो यहाँ पर माइनस आया हुआ है, एक यहाँ पर माइनस आया हुआ है, तो माइनस दो जगह आ गया मीन्स एक्स वाई जेड इन तीनों में से कोई एक टर्म माइनस की है, या तो यहाँ या यहाँ पर, या यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कोई एक टर्म माइनस की, कौन सी टर्म होगी? हमने बताया था जो माइनस वाले टर्म्स हैं उनमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें देखो दोनों में एक्स इज कॉमन, एक्स एक्स कॉमन है ना, जो कॉमन वेरिएबल है वो वेरिएबल माइनस का है 110% कन्फर्म। लिखेंगे इक्वल टू, टू है ना और एक्स स्केयर है तो टू को स्केयर बनाना है, होल स्केयर लिखेंगे तो रूट टू लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, एक्स होल्स स्केयर। लेकिन हमने ये भी बताया एक्स कॉमन है मीन्स माइनस का है, यहाँ पर माइनस साइन भी लगा दीजिए, ऐसे आ जाएगा माइनस रूट टू एक्स होल्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एट, एट को क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू जेड होल स्केयर। देखिए एट होता है टू इंटू टू इंटू टू, स्केयर रूट लगाएंगे इसको ऐसे, इसका होल स्केयर करेंगे, इसका भी होल स्केयर करेंगे, टू टाइम्स टू बाहर आ जाएगा, एक टाइम टू अंदर रह जाएगा, होल स्केयर रहेगा, इसलिए हमने टू रूट टू इंटू जेड ये लिखा है। क्लियर, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी समझाया जा रहा है यहाँ पर, समझ जाओ यहाँ तक का हो गया हमारा, माइनस इनको यूँ का यूँ, टू रूट टू एक्स वाई प्लस फोर रूट टू वाई जेड माइनस एट एक्स जेड, हमारा फोकस इन पर रहेगा, शुरुआत में माइनस के टर्म्स पर था, उसके बाद में इनके ऊपर रहा, उसके बाद अब इन पर रहेगा। जो ब्रैकेट के अंदर ये ए है, ये ब्रैकेट के अंदर बी है, ये सी है, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज माइनस रूट टू एक्स प्लस y प्लस टू रूट टू जेड होल्स स्केयर एंड हेंस द आंसर। कैसे, इन दोनों इस सारे को दो बार मल्टीप्लाई, माइनस टू रूट के साथ में x प्लस y प्लस टू रूट टू जेड इंटू, अगेन राइट दिस रिपीट इट, माइनस रूट टू x प्लस y प्लस टू रूट टू जेड एंड हेंस द आंसर। इस तरह से आपने
ये सारे क्वेश्चंस फैक्टराइज करने हैं भाई, जो आपको मिले एग्जाम के अंदर। तो आपने आज क्या क्या कर लिया है, आपने टोटल 5 फार्मूले कर लिए हैं भाई, 5, ध्यान रहे 12 मोर, 12 फार्मूले बच गए हैं आपके, 5 फार्मूले आपने कर लिए हैं। इनमें आपने क्या किया है, x प्लस ए, यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दे लीजिए, अगर किसी बच्चे को नोट भी करना हो तो एक साथ लिख के छोड़ देता हूँ, आप नोट कर सकते हो उनको, देख लीजिए। फर्स्ट, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नंबर टू, ए प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। नंबर थ्री, ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। नंबर फोर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एंड नंबर फाइव इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये आपके पास टोटल 5 फार्मूले हमने आज सिंप्लीफाई कर दिए हैं। कैसे, इन फार्मूले के बेसिस पर ये टर्म्स हैं तो उनको इस प्रकार एक्सपेंड करना है, ये टर्म्स हैं तो उनको इस प्रकार से फैक्टराइज करना है। एंड हेंस आपने 5 फार्मूले सीख लिए हैं स्क्वेयर्स के। अब नेक्स्ट फार्मूले जो बचे हुए हैं उनको लेकर के नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे हम। ये सारे के सारे आप लर्न कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको आसानी रहे समझने में। टिल देन थैंक यू, और थैंक यू से बड़ा लेकिन मैंने कहा है लेकिन इसलिए कि मैक्सिमम शेयर कीजिए प्लीज़। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो आप अगर शेयर का जोटा और लगा देंगे ना, हरियाणा में कहते हैं जोटा मारना, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास में ये MR मैथमेटिक्स के वीडियोस पहुँचें, सभी को बेनिफिट हो। ठीक है, आप समझदार हैं, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है सारी बातों को कि मेरे साथ ही दूसरे स्टूडेंट तक अच्छी वीडियो जाएं तो एटलीस्ट वो भी अच्छा अपना मैथमेटिक्स की नॉलेज को ले सकता है। तो आपसे यही आशा है कि आप सभी मैक्सिमम शेयर करेंगे। टिल देन थैंक यू।